ना आपके हस्बैंड साहब बहुत क्लोज थे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था. सो उनकी डेथ के बाद कैसे आपने कोप किया, कैसे हाउ डिड यू कम बैक टू लाइफ? बड़ा मुश्किल. एंड देन सीइंग हिम सफर, कि आप इतनी तकलीफ. ही वाज वेरी ब्रेव, ही नेवर लेट मी रियलाइज हाउ मच ही वाज सफरिंग. लेकिन वो बात मैंने एक बार कही भी थी, मैंने खुद ही सोशल मीडिया पे ये बात की थी. उन्होंने जो आखिरी चीज़ मुझे कही थी, अल्लाह का शुक्र है कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन. मॉर्फिन तक लेने से मना कर दिया था. आखिरी दिन तक, फजर तक वो खुद चलकर वॉशरूम गए हैं. उन्होंने फजर की नमाज भी पढ़ी है लेटे लेटे बिस्तर में. बल्कि मुझे पूछा कि मैं सजदा कैसे करूँगा, तो मैंने कहा आंखों से. और फिर उन्होंने मुझे बुलाकर एक्चुअली कहा कि यू नो, आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर. आई एम नॉट स्केयर्ड फॉर मी एंड आई एम नॉट स्केयर्ड फॉर यू, क्योंकि अल्लाह है ना. दैट वाज हिज लास्ट वर्ड्स टू मी. मुझे, मैं उस चीज़ के साथ जिंदा हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने उनको जिस हाल में भी, जब जहाँ तक वो गए, मगर अल्लाह ताला ने उनको बिस्तर पर डाला नहीं. ही वॉज नॉट ए वेजिटेबल. क्योंकि वो चीज़ ना मैं बर्दाश्त कर पाती, ना वो कर पाते. और उनका चले जाना, मुझे बस यही है कि मैं आई लुक फॉरवर्ड टू द डे दैट आई विल मीट हिम अगेन. आपकी लव्ड वन को, मैं जिस जिम में जाता हूँ ना नादिया, वहाँ उनके नाम से प्रेयर रूम है. और कितनी प्यारी जिंदगी साथ गुजरी होगी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम. जिम में भी उन्होंने मुझे, अहमद ने जिनका है, उन्होंने मुझे कहा कि पता है ये मेरा ड्रीम था. एंड ही टोल्ड मी दिस, ही सेड यू नो योर हस्बैंड वाज एन एंजल इन्वेस्टर. मैंने कहा, ही सेड ही इन्वेस्टेड इन पीपल्स ड्रीम्स एंड मेड देम कम ट्रू. तो मैं जब कहता था कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो रॉजर से क्यों नहीं हो सकेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. मैंने कहा मैं रॉजर के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे रीपे करूँ. उन्होंने कहा मैं उनके नाम पे मस्जिद डेडिकेट कर दूं, मैं चाहता हूँ ये सिलसिला सदके का चलता रहे. इनका इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है? डेडिकेटेड उनका नाम लिखा. सो इट्स आई थिंक ये भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है. आप में शुक्रगुजारी ज़्यादा आ जाती है. आप हर उस खुशी के लम्हे के लिए शुक्रगुजार होते हैं जहाँ पर आप प्यारा साथ तो मिला ना. मोमेंट्स. एंड वो मैं सब जैसा पूछी थी कि यू वर लाइक ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, ऐसा रिश्ता था ना. मैं तस्वीरें जो देखती हूँ ना इनकी, मैं होता कि हमें अच्छा लगता था कि वी डोंट नीड एनीबॉडी एल्स, क्योंकि हम दोनों के लिए, हम दोनों काफी हैं दूसरे के लिए. ये नहीं सोचा था कि मेरा रिटायरमेंट प्लान खराब हो जाएगा. आपने बनाए होते हैं अपने प्लान. आई हैव हैप्पी मेमोरीज. मैं कहती हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में अभी हूँ, अल्लाह मियां ने मेरे लिए कुछ मकसद रखा होगा. अच्छा कि देखिए अपने आप को मसरूफ रख लिया, बहुत जरूरी है. अगर घर में आप अकेली होती हैं, उनकी कितनी कमी महसूस होती है, बड़ा मुश्किल होता है. आदिया वो अभी भी होती है, वो हर लम्हे होती है, वो हर मिनट होती है, वो हर बात पे होती है, वो हर सांस में होती है. लेकिन फिर आप उसको बेहतरी की तरफ चैनलाइज कर लेते हैं. वो सवाल नहीं, घर बैठ के रोने से तो कोई फायदा नहीं ना किसी का भी. तुम बिन जिया जाए कैसे? आप रोए तो कितनी देर रो सकते हैं, रोएं भी तो कितनी देर आप रो सकते हैं. मुझे उस डिस्पोंडेंसी से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप नाउमीदी जैसे कहते हैं ना, कुफ्र है. तो अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, तो फिर आप उस नहज पे नहीं जा सकते जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली रोते रहें. यू नीड टू अप्रिशिएट लाइफ एंड यू नीड टू फुलफिल लाइफ कि आपकी, मतलब आप दुनिया में आए ना, तो अल्लाह मैंने कुछ तो सोचा होगा ना आपके लिए, कुछ तो करें आप. देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.